मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है। गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख। तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। वास्ता नहीं रखना तो फिर मुझ पे नज़र क्यों रखता है। वास्ता नहीं रखना तो फिर मुझ पे नज़र क्यों रखता है। मैं किस हाल में ज़िंदा हूँ तू ये सब खबर क्यों रखता है। मैं किस हाल में ज़िंदा हूँ तू ये सब खबर क्यों रखता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सद्दाम हुसैन आप सबका मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? ठंड का मौसम चल रहा है, आप सब अपना ख्याल रखेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है होगी। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको साइंस के 20 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा और फिर जस्ट उसके बाद आप सबको मैथ के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। पता आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक वीडियो को देखें, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपकी एक लाइक ना हमारी हौसला को बढ़ाती है। और जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हैं तो आपका शुक्रिया है आने के लिए। और एक बात और भी है कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा लेते हैं तो कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एपिसोड शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले, मैं पिछला जो क्लास हुआ था उसमें जो स्टूडेंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया उनके नाम हैं रुखसार खान, गजाला नाजिश, बेबी खातून, चांदनी परवीन, अरमान हुसैन, अरमान अंसारी, पंकज कुमार, नीतीश यादव, आनंद कुमार, सलमा सुल्तान, नीतीश यादव, शिव यादव, सब्बा, परवेज आलम, आतिफ हुसैन, नौशाद आलम, सादिक आलम, मुशर्रफा बेगम, सैफ अली, नगेंद्र, हरिचंद्र ईशोनी, भूमि सिंह, रुखसार खान, इन सब ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अच्छा तैयारी चल रही है इन सब की। इसी तरह से आप सब मेहनत करें, आप टॉपरों की लिस्ट में ज़रूर आएंगे। तो आज की इस वीडियोस में मैं आप सबको शुरुआत भौतिकी के क्वेश्चनों से करूंगा। मैं उन सब क्वेश्चनों को पढ़ूंगा, आप सब उसका पढ़ के कमेंट करेंगे, जवाब देंगे, ऑप्शन को बताएंगे, फिर मैं उसका जवाब बताऊंगा और आप मिलाएंगे कि मेरे कितने करेक्ट आंसर हुए, ठीक है ना। तो आइए, मैं आप सबको दिखा रहा हूँ भौतिकी के उन सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, है ना। पहला है, एक संदीप भी है स्टूडेंट्स में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, सोच रहा हो मेरा नाम नहीं आता इसलिए मैंने उनका भी ले लिया संदीप। कुछ स्टूडेंट का नाम भूल भी जाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहिए। एक विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? पहला है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है एम्पियर ने, डी है फ्लेमिंग ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी?
आइए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ, मिलाएंगे आप इसका आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की जो खोज किए थे उनका नाम था फैराडे, इसलिए पहले का करेक्ट आंसर ए सही है। जिन भी स्टूडेंट का ये ऑप्शन है ना वो सही है। आगे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है लिखा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं दे सकता है उस नेत्र में होता है, दूरदृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, और डी है वर्णाधता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, तो आप लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में जानते होंगे कि वैसा दोष जिसमें दूर की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और क्वेश्चंस में भी यही पूछा है कि निकट की स्थित वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, यानी कि जो परिभाषा बोल रहा है दूरदृष्टि दोष का उसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर दूरदृष्टि दोष होगा, इसलिए टू का करेक्ट आंसर ए सही है। जो भी स्टूडेंट ने ए बताया ना वो सही जवाब दिए, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालते हैं। देखिए आपका जो 3 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच का संबंध बताना है। पहला है ऑप्शन आई बराबर आर बटा भी, बी है आर बराबर आई बटा भी, सी है आर बराबर भी बटा आई, और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3 का। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम का नियम, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया है कि भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर, इसी को जब हम चेंज करते हैं तो आर बराबर हो जाता है भी बटा आई। तो जो संबंध दर्शा रहा है चारों ऑप्शनों में से वो आपके सी में जो मैं लाया हूँ वही ऑप्शन लिखा हुआ है, इसलिए 3 का जो करेक्ट आंसर होगा सी सही है। जो भी स्टूडेंट ने सी बताया ना उनका सही है, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वी के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। पहला है 0.1 एम्पियर, बी है 0.4 एम्पियर, सी है 2.5 एम्पियर, और डी है 10 एम्पियर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा सूत्र P बराबर होता है वी आई, तो P का मान 100 वाट है और वी का मान 250, जो कि यहाँ भरिएगा इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और इधर बचेगा आई, जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 5 2 10 और 5 से 5 बार में, तो ये हो गया 2/5 आई बराबर। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.4 और आई का जो होता है मात्रा का एम्पियर, इसलिए 4 का जो करेक्ट आंसर होगा बी सही है। सॉल्यूशन के साथ आप देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव को आपको रटना नहीं है, जो बनाने वाला है उसको बनाइए, रटे ही हुई कारगर नहीं होती है पढ़ाई, बहुत ही कम दिनों की टिकाऊ होती है, और ये जो आप सॉल्यूशन करना जान जाएंगे जिंदगी भर टिकाऊ रहेगी, इसलिए 4 का करेक्ट आंसर बी सही है। जिन भी स्टूडेंट का बी ऑप्शन है ना वो सही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। 5 कहता है विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पे आधारित है बताना है। पहला है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी है धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। जल्दी से बताइए 5 का। आइए मैं बता रहा हूँ, मिलाएंगे अपना आंसर। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है का जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका करेक्ट आंसर ए सही है। विद्युत फ्यूज जो है धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, इसीलिए जब धारा अधिक मात्रा में बहती है विद्युत परिपथ से तो धारा ज़्यादा होने के कारण उष्मा के प्रभाव के कारण फ्यूज गलकर टूट जाता है, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ए सही है। जिन भी स्टूडेंट का ए है ना वो सही जवाब है। आगे 6 क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन से आपको भी नज़र आ रहा होगा। लिखा है कि श्वेत रंग जो है यानी कि सूर्य का प्रकाश भी आप कह सकते हैं कितने रंगों के मेल से बना है। पहला ऑप्शन है 3 रंग से, बी है 4 रंग से, सी है 5 रंग से, डी है 7 रंग से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलाएंगे। श्वेत रंग कितने रंगों से बना है, जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं डी ऑप्शन ना यानी कि 7 उनका सही जवाब है, इसलिए 6 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी सही है। श्वेत रंग 7 रंगों से बना है, जिसे हम लोग शॉर्ट रूप में बैजानी पिनाला भी कहते हैं और इंग्लिश में भिप जियोर कहते हैं,
ये दो ट्रिक याद रखने से सातों रंगों का नाम याद आ जाता है, ठीक है ना। तो छ का डी होगा। आगे बढ़ते हैं सात क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका सात क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें से गतिशील कौन कण होते हैं, कौन से जो कण है जो विद्युत परिपथ से प्रवाहित होता है उसका नाम बताना है। पहला है कि परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको बता रहा हूँ, मिलाएंगे अपना आपसे। विद्युत धारा से जो प्रवाहित कण होता है उस कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए सात का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका डी सही है, इलेक्ट्रॉन। जो भी स्टूडेंट डी बता रहे हैं ना उनका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन ही है। वो कण जो विद्युत परिपथ में गतिशील होता है वही धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है, इसलिए सात का डी सही है, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन आठ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जो कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन की चाल बताना है कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी भी है। जो लोग पढ़े होंगे वो जल्दी से जवाब बताइए, और जो लोग नहीं पढ़े हैं जल्दी से दिमाग लगा के अपना एक तुक्का लगा के टिक मारिए, और नहीं तो सुनिए मैं बता रहा हूँ फिर उसका आंसर याद रख लीजिएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, इसलिए आठ का करेक्ट आंसर ये सही है। जिन भी स्टूडेंट का ये ऑप्शन है ना वो सही जवाब दिए, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन पे नज़र डालते हैं जो कह रहा है कि किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। पहला है वायुमंडलीय प्रभाव, बी है किंडल प्रभाव, सी है टिंडल प्रभाव, डी है क्विंटल प्रभाव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नौ का आइए मैं आप सबको नौ के करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूं, मिलाइएगा। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों के प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है, उसका नाम जो होगा वो टिंडल प्रभाव होगा। उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। उसे नौ का करेक्ट आंसर सी सही है। जो भी स्टूडेंट सी बताए ना वो सही है। आगे दस क्वेश्चन। आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। पहला है एन आर, बी है एन बाई आर, सी है आर बाई एन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूं, मिलाएंगे। जब समांतर क्रम में जुड़े हों आर ओम के प्रतिरोध वाले यानी सभी का मान आर हो तो हम जो n है उसी में r से डिवाइड कर दीजिएगा ना वो आंसर हो जाता है, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर b सही है। जो b स्टूडेंट b बता रहे हैं ना n बाई r उनका सही जवाब है 10 का b, करेक्ट आंसर b होगा, ठीक है। आगे देखिए 11 क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, r का मान 55 ओम दिया है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान बताना है, वोल्ट भी दिया। पहला है 4 एम्पियर, बी है 40 एम्पियर, सी है 2.5 एम्पियर और डी है 225 एम्पियर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11 का। आइए मैं बता रहा हूँ, हमें आई का मान बताना है ना, तो भी बराबर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है आई आर, तो भी का मान तो 220 दिया है ना, आई का मान पूछ रहा है छोड़ दीजिए, आर का दिया है 55, तो 55 चौके 220, तो आई का मान 4 एम्पियर, कितना गया 4 एम्पियर, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर ये सही है। जो भी स्टूडेंट ने ये बताया उनका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालते हैं, 12 क्या कहता है। देखिए अब 12 क्वेश्चन, ठीक है ओके सही हो गया। चलिए 12 देखिए, लिखा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? पहला है नीला, बी है उजला, सी है लाल और डी है काला। बताइए चंद्रमा पर खड़ा जो व्यक्ति है उसको अंतरिक्ष यात्री है उसको कहते हैं, उसको आकाश कैसा दिखाई देगा। आइए मैं बता रहा हूँ आप सब इसका करेक्ट आंसर जो दे रहे हैं वो मिलाएंगे अपना आंसर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। 12 का डी चाहिए। काला दिखाने का मुख्य कारण है कि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती, क्लियर।
आगे देखिए 13 क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में कितने के बराबर होता है। पहला है 0.36 × 10^10 जूल, बी है 1.6 × 10^19 जूल, सी है 3.6 × 10^6 जूल और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलाएंगे अपना आंसर। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है, इसलिए 13 का करेक्ट आंसर सी सही है। जो भी स्टूडेंट ने सी बताया ना उनका सही जवाब है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चंस की ओर। 14 क्या कहता है, रसायन शास्त्र के ये क्वेश्चंस हैं कि निम्नलिखित में कौन युग्म में समावयवी है, C2H6 और C6H6, C5H10C6H12, C2H5OH, CH3OCH2, CH4C2H6। तो देखिए समावयवी पहचानने का तरीका है कि बॉन्ड CH2 का अंतर होना, बॉन्ड CH2 का। तो देखिए यहाँ कार्बन 5 गो है, यहाँ कार्बन 6 गो है, तो एक गो सी मिल गया, हम बी ऑप्शन लेके चल रहे हैं। एच कै गो है, 10 गो, यहाँ एच कितना है 12 गो, तो इसमें कितना का अंतर आ गया, 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। जबकि यही कहता है समावयवी पहचानने का, जिसमें भी बॉन्ड CH2 का अंतर पाया जाए उसे समावयवी कहते हैं। तो इसलिए 14 का करेक्ट आंसर बी सही होगा, इसमें बॉन्ड CH2 का अंतर है। 14 का बी ऑप्शन सही है, जो भी स्टूडेंट ने बी बताया उनका सही है, ठीक है ना, बॉन्ड CH2। आगे देख लीजिए ये इस ऑप्शन को, इसमें कार्बन 2 गो, इसमें भी कार्बन 2 गो, ये नहीं होगा, है ना, सी ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं निम्नलिखित में कौन अधातु है, धातु चूज करना है। पहला है Fe यानी कि लोहा, सी कार्बन, सी एल्युमिनियम और डी है Au यानी कि सोना। बताइए इसमें कौन अधातु है, जल्दी से जवाब दें। मिलाएं अपना ऑप्शन में बता रहा हूँ, अधातु जो है इसमें से वो कार्बन है, इसलिए 15 का बी सही है। जो भी स्टूडेंट ने बी बताया उनका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे नज़र डालते हैं कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल है यानी एल्कोहल ग्रुप का है। पहला है बॉन्ड OH, बी है बॉन्ड CHO, सी है बॉन्ड COOH, डी है डबल बॉन्ड CO। बताए एथेनॉल क्रियाशील मूलक कौन सा है, इसमें से बताना है। मैंने पहले बता दिया हो कि एथेनॉल जो है एल्कोहल समूह का ग्रुप है, तो एल्कोहल का जो होता है सूत्र बॉन्ड OH होता है, इसलिए 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ए सही है। जिन भी स्टूडेंट का ए ऑप्शन है वो सही जवाब दिए, क्लियर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या कहता है, 20 क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, 17 आपका देख लीजिए। 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सह संयोजी यौगिक है, पहला है CH4, बी है NaCl, सी है CaCl2 और डी है Na2O। बताइए इसमें से कौन सह संयोजी यौगिक है, 17 का जल्दी से जवाब दें, यानी इलेक्ट्रॉनों के साझा के। तो देखिए मैं बता रहा हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी सही है। जो भी स्टूडेंट का बी सही है वो सही है, क्योंकि क्लोरीन जो है सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 7 और 1 8 मिलके अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, इसलिए 17 का करेक्ट आंसर बी सही है। 18 है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी जब लोहा पर जिंक का पेंटिंग करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है। पहला है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना, डी है वैद्युत अपघटन। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसके करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ, मिलाएंगे। लोहा पर जिंक लगाने की जो क्रिया होती है, जिंक से पेंट करने की क्रिया होती है, उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। इसलिए 18 का करेक्ट आंसर बी सही है। जिन भी स्टूडेंट का बी ऑप्शन है ना वो सही जवाब दिए हैं, क्लियर। आइए क्वेश्चन 19 और 20 दो क्वेश्चन और देख ले, और जस्ट उसके बाद मैं आप सबको मैथ से रूबरू कराऊंगा। मैथ से बहुत सारे लड़के कमज़ोर हो जाते हैं, मैथ में ही क्रॉस लगवा बैठते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा आपके साथ। 19 क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तत्वों का जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है वो किस पे तत्वों को अलग किया गया है, किस सिद्धांत पे अलग किया गया है, किस नियम पे अलग किया गया है, किस रूल पे अलग किया गया है, बताना है। पहला है परमाणु आयतन पर, बी है परमाणु घनत्व पर, सी है परमाणु द्रव्यमान पर, डी है परमाणु संख्या पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं बता रहा हूँ अपना ऑप्शन मिलाएंगे कि मेरा सही है कि नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों के वर्गीकरण का जो इसमें आधार है वह है परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में हम सब एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर डी सही है। जिन भी स्टूडेंट का डी ऑप्शन है ना वो सही जवाब दिए, ठीक है ना, करेक्ट आंसर डी होगा, डी को आप लोग क्लिक कर लें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं
लिखा है कि CaCO3 ऊष्मा के प्रभाव से ये जो है CaO प्लस CO2 में टूट जा रहा है, तो किस प्रकार का समीकरण है? पहला वियोजन, बी है संयोजन, सी है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। बताइए बी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो जब टूट के जो बनता है उसे वियोजन कहते हैं। वियोजन का मतलब होता ही टूटना है, वियोजन का क्या मतलब होता है? टूटना। इसलिए बीस का करेक्ट आंसर ए सही है। जिन भी स्टूडेंट का ए ऑप्शन है ना वो सही है। तो मैंने अभी आपको 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ साइंस से आपको रूबरू कराया, इसमें आपके कितने सही हैं कमेंट में जवाब देंगे, और आप सब कहीं जाएंगे नहीं, आप बस थोड़ा सा आपको समय दे रहे हैं कि आप सब एक बार वीडियो को लाइक कर दें अभी तक नहीं किए हुए हैं तो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक फ्रेंड्स को, सिर्फ एक एक फ्रेंड्स को अपने अपने सबको जोड़िए। अगर एक एक फ्रेंड्स को भी जोड़ते हैं तो ये जो संख्या नज़र आ रहा है ना कुछ दोगुना हो जाएंगी। आप ही की मदद से यहाँ तक मैं पहुँचाऊँ, आगे भी सपोर्ट करें। आइए मैं आप सबको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ, दिखाता हूँ जो आपके आगामी एग्जाम में आएंगे। देखिए आपके सामने ये मैथ के मैंने क्वेश्चंस ले आ दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आपको डरना नहीं है, सिर्फ आप सब मेरा साथ दीजिए, मैं आपको एकदम मिनटों में क्वेश्चंस को सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, पहला है समरूप, बी है सर्वांगसम, सी है समानुपाती और डी है समकोण। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दें आप सब। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं आपको जवाब देना है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट जवाब बता रहा हूँ। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वह समरूप होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए सही है। जिन भी स्टूडेंट का ए ऑप्शन है ना वो सही है, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे नज़र डालते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है कि बिंदु आपको 2 गिवेन है, 8, 10 और 4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बताना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। पहला है 6, 8, बी है 8, 6, सी है 8, 4 और डी है 4, 8। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए पहला पहले के साथ जोड़ लिया जाता है और उसमें 2 से डिवाइड, तो 8 और 4 को 2 से डिवाइड और फिर 10 और 6 को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 8, 4, 12, 12 में 2 से डिवाइड होगा तो आपका मिलेगा 6 और 10, 6, 16, 16 में 2 से डिवाइड होगा तो 8। तो आपका आंसर जो है 6 और 8, तो इसलिए 2 का करेक्ट आंसर जो है ए सही है। जो भी स्टूडेंट ने बताया 2 का है वो सही जवाब दिए है, क्लियर। आइए देखिए 3 क्वेश्चन, 3 आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो नए पुराने वृत्तों के परिधियों के अनुपात क्या होगा, नए और पुराने। तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो r त्रिज्या दोगुनी हो गया तो यहाँ 2r रख लीजिएगा। अब नीचे में देखिए पुराना वाला नीचे रखना है, पुराना में r है तो r रह जाएगा 2πr, 2π से 2π कट गया, क्लियर, r से r कट गया, तो ऊपर में तो 2 बच गया, नीचे में 1 बच गया, और इसी को रेशियो में आप लिखिएगा तो 2:1। अब आप ऑप्शन देखिए 3 के बी ऑप्शन में यही लिखा हुआ 2:1, इसलिए 3 का करेक्ट आंसर बी सही है। जिन भी स्टूडेंट का बी ऑप्शन आ रहा है ना जवाब वो सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। 4 क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक यानी दौड़ने वाले एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः दो तीनों व्यक्ति का बता रहा है, एक को 3 घंटा लगता है, एक को 4 घंटा लगता है तथा 8 घंटे समय लेता है एक, तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो जब भी घंटी वाला, दौड़ने वाला, मिलने वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका एलसीएम निकाल देते हैं, तो 3, 4, 8 का एलसीएम। तो पहले तो आप 4 से ही कटा लीजिए, 1 और 2, तो आपका 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो 4, 3, 12 दुनी की 24 आ गया, 24 यानी कि 24 घंटा हो गया। अब 4 के ऑप्शन देख ले, जितना भी ऑप्शन दिया है उस चारों ऑप्शनों के डी में लिखा है 24 घंटा, इसलिए 4 का करेक्ट आंसर डी सही है। जो भी स्टूडेंट का डी ऑप्शन आ रहा है ना वो सही जवाब दिए है, क्लियर। आइए क्वेश्चन 5 पे नज़र डालते हैं, 5 क्या कहता है। देखिए आपका जो 5 क्वेश्चन है लिखा है 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा है? ये आपके 6 लेसन से क्वेश्चन से परमेय से रिलेटेड ये कथन जो है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है,
ये किसका कथन है? पहला है आर्यभट्ट, बी है यूक्लिड, सी है थेल्स और डी है पाइथागोरस। बताइए पांच का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको पांच के करेक्ट आंसर से रूबरू कराता हूँ। ये जो कथन है ना वो थेल्स का परमे का है। थेल्स जी ने ये बताया था कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान होता है, इसलिए पांच का इसे हम समानुपातिकता का भी परमे कहते हैं, इसलिए पांच का सी सही है। जो भी स्टूडेंट ने सी बताया वो सही जवाब दिए है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन आपका है कि यदि बिंदु 4-5 और 6-5 के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु बताना है। पहला 5-4 ऑप्शन है, बी है 5-5 है, सी है 4-5 और डी है 4-3। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं बता रहा हूँ, मिलाएंगे अपना आंसर। कभी भी किसी क्वेश्चन का मध्य बिंदु निकालना हो तो शुरुआत वाले पद को जोड़ देना चाहिए एक्स और एक्स को, तो 4-6 है शुरू में जोड़ दिया, फिर कॉमा बाद वाले को भी जोड़ दिए 5-5, तो 6-4 10 10 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5-5 10 उसमें भी 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो आ गया आपका 5-5। तो अब 6 का जो होगा ना बी ऑप्शन सही होगा, 5-5। तो आज जो भी स्टूडेंट ने बी बताया वो सही है। अब देखिए सात क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की प्रतियों का अनुपात क्या होगा। आइए मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताऊंगा, आप सब देखें। पहला 1:2, बी है 2:1, सी है 4:1, डी है 1:4। तो पुराना पहले लिखना है और बाद में नया, तो शुरू में तो वृत्त की परिधि 2 पर होगा, क्लियर, ये तो वृत्त की परिधि की सूत्र होता है। फिर उसके बाद देखिए 2π हो गया ना, नया वृत्त में त्रिज्या को क्या कर देना है आधी, तो आर था उसको आधा कर दिया, तो 2πr कैंसिल और ऊपर एक, यहाँ पे भी एक बच गया, यानी 1/1/2, ये 2 प्लट के ऊपर चल जाएगा तो 2:1 हो जाएगा। अब आप 7 के देखिए बी ऑप्शन में यही चीज़ लिखा है 2:1, इसलिए 7 का करेक्ट आंसर बी सही है। जिन भी स्टूडेंट का बी ऑप्शन है ना वो सही जवाब दिए, क्लियर। आगे देखिए 8 क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन समरूप, बी है सर्वांशम, सी है समानुपाती और डी है विषमबाहु। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको बता रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर। सभी वर्ग जो होते हैं ना देखने में एक जैसे होते हैं, है ना। ये भी एक वर्ग मैंने जैसे बना दिया और ये भी एक वर्ग बना दिया, एक और वर्ग बना दिया, एक और वर्ग बना दिया, आप कहेंगे कि ये सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि सभी वर्ग बराबर हैं, लेकिन ये जरूर बोल सकते कि सभी वर्ग जो हैं एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक रूप में है, एक चेहरा में है। और जो एक रूप में और एक चेहरा में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप। इसलिए 8 का करेक्ट आंसर ए सही है। जो भी स्टूडेंट 8 का ए जवाब दे रहे हैं ना उनका सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन 9 क्या कहता है। क्वेश्चन 9 लिखा है बिंदु -10 और 6 तथा 6-10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक है, यानी निर्देशांक बताना है मध्य बिंदु का। पहला ऑप्शन है -8 और -8, बी है -8 और 4, सी है 2 और 4 और डी है -2 और -2। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मध्य बिंदु के नियामक का जो सूत्र होता है वो होता है x1+x2/2, ये होता है, और फिर इसी तरह के y1+y2/2। तो ये x1 है, ये x2 है, इन दोनों का ऐड कर दे, -10+6/2, फिर कोमा y1 y2, तो 6-10/2, तो 10 में से 6 घटेगा, इसके बाद आपका आएगा 10 में से 6 घटेगा तो -4/2 आएगा, और या 10 में से इधर भी 6 घटेगा तो -4/2 होगा। अब 2×2=4 तो -2 हो जाएगा, और 2×2=4 माइनस है तो -2 हो जाएगा। अब दोनों क्या गया, -2 और -2। अब 9 का जब हम ऑप्शन देखते हैं तो उसके ऑप्शन डी में यही चीज़ लिखा हुआ है, -2 और -2, यानी जो बिंदु दिया है इसका जो निर्देशांक होगा मध्य बिंदु का वो -2 -2 होगा, इसलिए 9 का डी सही है। जिन भी स्टूडेंट का डी ऑप्शन आ रहा है ना वो सही है। अब देखिए 10 क्वेश्चन है, इसके बाद आप सबको 10 ही क्वेश्चन आज रहेंगे आज के क्लास में, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा। लिखा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया है 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियाई।
पहला ऑप्शन है 3:4 यानी कि 3:4, बी है 2:3 और सी ऑप्शन है 5:3 और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। दो वृत्त है तो एक को हमने लिख लिया पाई आर वन स्क्वायर और एक को लिख लिया पाई आर टू स्क्वायर सोल्यूशन के माध्यम से, और इधर 4:9। क्लियर। अब इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, पाई पे कैंसिल आउट, ये आर वन का स्क्वायर और नीचे आर टू का स्क्वायर, आर वन स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि आर वन बटा आर टू को हम लिख सकते हैं स्क्वायर है तो रूट फोर, और इसका स्क्वायर आएगा तो इस पर रूट फोर। तो 4:2 होता है और 9:3 होता है, तो 2:3 कितना आ जाएगा, 2:3। अब आप ऑप्शन देखिए, बी में यही चीज़ लिखा है 2:3, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर बी सही है। तो मैंने आप सबको 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ मैथ यानी मैथ के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों से रूबरू कराया, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम में भी आएंगे। उसमें आपके कितने सही हैं कमेंट करके जवाब दें, और मैं इससे पहले मैंने साइंस का भी बताया उसमें आपके कितने सही थे ताकि आप बता देंगे तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें आपका भी नाम आएगा। आप लोगों को लिए आप लोगों को थैंक्स है फुल वॉच वीडियो करने के लिए, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब ने फुल वॉच किया वीडियो, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों फ्रेंड्सों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी ऐसे वीडियो को देखकर अपने तैयारियों को मुकम्मल कर सके, ठीक है ना। और जो नए स्टूडेंट्स अभी अभी आ रहे हैं और चैनल मस्त क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए उनको मैं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना दोस्त। और जो नए हैं वो टाइमिंग नहीं जानते हैं कि कब आता है लाइव क्लास, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि डेली आपको 7:30 बजे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का क्लास होता है, और रात में 9 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपके सोशल साइंस के भी सब्जेक्टिव हो सकते हैं, साइंस के भी सब्जेक्टिव हो सकते हैं, या आपके मैथ के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप उस समय यानी 9 बजे रात में भी आया करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, डैट इज ऑल फॉर टुडे, नाउ विल टॉक अबाउट टुमोरो। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आप सबसे कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सबसे मैं सद्दाम हुसैन विदा लेता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखेंगे, डैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ऑल फ्रेंड्स, गुड नाइट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।